मुरादाबाद के कांड रोड स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में दो दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह द्वारा किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल का यह कहना है कि खेलों के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, मगर दो वर्ष के बाद ये प्रतियोगिता विद्यालय में आयोजित की गई है। मुरादाबाद के कांड रोड स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करने के साथ किया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुरादाबाद के स्कूल काम कर रहे हैं। एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में आज इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वे खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां स्कूल काम कर रहा है तो वहीं खिलाड़ी भी अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से दिखाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह ने कहा, आप सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो आज शुरुआत हो रहा है उसके लिए मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और अच्छी बात है कि आप सभी लोग गेम के प्रति इतने सजग हैं। इस समय हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो गेम्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। और नए नए कलाकार कह सकते हैं, नए नए हमारे जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, वो बढ़कर हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पहले स्पोर्ट्समैनशिप में अगर हम देखेंगे तो हम लोग पीटी उषा को जानते थे बस एज ए फीमेल के रूप में। अगर आपको याद होगा कि हम लोग अगर एक गर्ल के रूप में, एक महिला के रूप में अगर हम किसी का नाम उनसे पहले पूछा जाता था तो सिर्फ पीटी उषा तक बोलने के बाद दूसरा नाम हमें सोचना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास में इंडस्ट्री के जेंडर अगर हम बात करें तो हमारे पास सानिया मिर्जा भी है, सारा नेहवाल भी हैं, पीवी सिंधु भी हैं, कितने सारे मेडिकॉम हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको हम लोग आगे के रूप में रख सकते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करने के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि एसएस चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा खेल के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। आज इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मैं खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के साथ विद्यालय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वह खेलों में बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। वही जीतेगा, पूरे साल का रिजल्ट अब आगे सामने आएगा कि इतने सबसे ज़्यादा बांसुरी बोल के तो मेहनत करी। यही तो होता है कि जब हम पूरे साल जो मेहनत करते हैं उसके रिजल्ट, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एंड में फर्स्ट होना है, उसी तरीके से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमें पता चल जाएगा कि बास्केटबॉल किस कोच ने सबसे अच्छा सिखाया और किन खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा सीखा, वो इससे पता चलेगा। और मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कौन सा स्कूल जीता तो वही पता चल जाएगा। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया और विद्यालय में आने पर सभी का आभार व्यक्त किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल का ये कहना है कि आज दो वर्ष के बाद मुरादाबाद के एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स स्कूल में इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है, जिसमें मुरादाबाद शहर के कई स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। काफी समय के बाद सभी बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हमारा मकसद यह है कि खेल के क्षेत्र में सभी आगे बढ़ें और हमारे शहर मुरादाबाद का नाम पूरे देश में रोशन करे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने कहा, आज एसएस चिल्ड्रन एकेडमी कांड रोड पर हमने इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित की है और उसमें शहर के सभी स्कूल्स को इन्वाइट किया है। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है और अब ये कोविड की वजह से दो साल से ये कॉम्पिटिशन्स नहीं हो पाए थे, तो दो साल बाद ये हम हर साल कराते थे वैसे, लेकिन अब इस बार दो साल के बाद हुआ है और इसमें शहर के सभी अच्छे अच्छे स्कूल्स की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और अराउंड 20 टीम्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स की मिला के। कितने दिन की है और क्या बच्चों को प्रोत्साहित करें? ये चैम्पियनशिप दो दिन चलेगी, कल इसका क्लोजिंग होगी। और फिज़िकल फिटनेस के लिए देखिए स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए और CBSE और लोकल गवर्नमेंट भी अब फिज़िकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, इन सब में बच्चों की फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी रहती है और पार्टिसिपेट जब बच्चा करता है तो वो अपने आप को फिज़िकली फिट भी रखना चाहता है, तो वो एक्सरसाइजेस भी करता है और योगा भी करता है, तो इस सब के लिए ये स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है बच्चे की लाइफ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के प्रशासक अनिल अग्रवाल, एडवोकेट सुनील अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल के साथ एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मुरादाबाद शहर के अनेक स्कूलों के खिलाड़ी व कोच मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन 13 नवंबर को किया जाएगा।